भी आइए और सांसद महोदय का पुष्पमाला स्वागत करें। समरनाथ मांझी जी आपसे भी निवेदन, आप भी आइए और सांसद महोदय का पुष्पमाला स्वागत करें। अक्षय कुमार राठिया जी छगाटांग आपसे भी निवेदन, आप भी आइए और पुष्पमाला से स्वागत कीजिए सांसद महोदय का। और हमारे इस ग्राम के युवा नेता नवल किशोर राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए सांसद महोदय का पुष्पमाला स्वागत करें। हमारे कोरबा क्षेत्र के टिकेश्वर सिंह राठौर जी इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए और सांसद महोदय का पुष्पमाला स्वागत करें। और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्माननीय विधायक लालजीत सिंह राठौर जी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे समाज के प्रमुख हैं, उन आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे सांसद महोदय का पुष्पमाला स्वागत करेंगे। जोरदार ताली। हमारे रामपुर क्षेत्र के विधायक सम्माननीय फूल सिंह राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी सांसद महोदय का पुष्पमाला स्वागत करेंगे। हाँ, हमारे राजीव ठाकुर देव ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सम्माननीय युगेश्वरी राठौर जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आइए और सांसद महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। चित्रा राठौर जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आइए और सांसद महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। अंजना राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए और सांसद महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत कीजिए। श्रीमती शशि राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए, सांसद महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। इस ग्राम के बैकिंग से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों आइए और दोनों जने पुष्प गुच्छ से आपके साथ ही दोनों जने आ जाइए, आप भी आ जाइए और पुष्प गुच्छ देकर के सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। और आज हम जिनके स्वागत के लिए यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित और कुछ दिन पूर्व विधायक निर्वाचित हुए सम्माननीय लालजीत सिंह की राठिया जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे सांसद महोदय। और कोरबा जिला में रामपुर विधानसभा में इतिहास रखने वाले सम्माननीय फूल सिंह राठौर जी के स्वागत के लिए मैं सम्माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा। और इस स्वागत के अंतिम कड़ी में मैं मेरे मित्र मान सिंह राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आइए और सांसद महोदय का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि आज हम आप सबों को पाकर यहाँ पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आपने इस क्षेत्र में इतिहास रचा और इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए हम उतावले थे और आपने हमारे एक निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक युवा टीम है वॉलेंटियर ग्रुप, इनके लीडर आनंद सिंह राठौर जी और समस्त वॉलेंटियर्स को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ आप सम्माननीय विधायक सांसद का पुष्प गुच्छ से। और हमारी समिति के अध्यक्ष सम्माननीय चंद्रमणि राठौर जी आप आइए और हमारे लालजीत सिंह राठौर जी का पुष्पमाला समिति कार्यालय मेरा ही होगा।
ये गौरव हमें आज प्राप्त हुआ है और हम एक और नए सांसद हमारे देश में प्राप्त किए हैं और सांसद हमारी राज्य समाज का सबसे देश का सबसे बड़ा महापंचायत होता है संसद में, वहाँ पर हमारी समस्याओं हमारे क्षेत्र की समस्याओं को निश्चित रूप से उठाएंगे और अभी जो कुछ बचे खुचे रह गए होंगे वो समस्याएं अब दूर होंगे निश्चित रूप से, क्यों? क्योंकि ये हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी आदिवासियों राज्य समाज के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं इसको भली भांति जानते हैं, निश्चित रूप से इसको भारत सरकार के पास में रखेंगे और हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। वही हमारे दोनों राज्य विधायक ये हमारे इस राज्य के महापंचायत विधानसभा में है और ये भी मैं सुनता हूँ कोई भी समस्याएं हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं और तीव्र गति से वहाँ पर उठाएंगे, जो सीधे वहाँ पर उठाएंगे निश्चित रूप से हमारा ये राज्य फिर आगे बढ़ेगा। तो इस उद्बोधन की कड़ी में मैं अब हमारे अतिथियों के पास जाता हूँ और हमारे रामपुर विधानसभा के सम्मानीय विधायक तुलसी राठिया जी को मैं आज के इस कार्यक्रम को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्मानीय विधायक ठाकुर देवता की जय, ठाकुर देवता की जय। तेज हवा चल रहा है, इन्होंने झोला मारा तो।